Hello everyone, how are you? Today I am with you. Today we discuss about the class 12 biology chapter 4 reproductive health part first. This is the part first of chapter 4th. We discuss in this video some step like as reproductive health, reproductively healthy and aminocytosis and aminocytosis. Let us start now. What is the reproductive health? According to the World Health Organization, means WHO, define the reproductive health. Reproductive health means a total well-being in a aspect of reproduction. For example, physical, emotional, behavior and social. Means WHO यानि कि World Health Organization के अनुसार हम जो है reproduction के सारे पहलू, reproduction के सारे पहलू यानि कि सारे aspect, reproduction के सारे एस्पेक्ट यानी कि जनन के सारे एस्पेक्ट, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल वेल है. ये सोशल वेल है, मींस जो रिप्रोडक्शन है इसके सारे एस्पेक्ट यानी कि पहलू, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, क्या है? वेल है. तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है. क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मींस व्हाट इज द मींस ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी? यू कैन सी हियर, ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल interactions among them in all sex related aspect mightily be called the reproductively healthy. Means reproduction के सारे function यानि कि sex संबंधी या sex के सारे organs normal है, ये normally function कर रहे हैं, normally function कर रहे हैं. जैसे कि आपके इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली, ये सारे क्या हैं? फंक्शन सारे कर रहे हैं, इनमें कोई डिसऑर्डर नहीं है. इस प्रकार से हम क्या हैं? ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी है. यही प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी ना, मीन्स सारे हमारे सेक्स ऑर्गन क्या हैं? नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल नहीं है. तो हम क्या हैं? रिस्पेक्टिवली ये रिप्रोडक्टिवली क्या है? हेल्दी है. ओके, अगेन वी स्टडी अबाउट द इम्यूनोसाइटोसिस. व्हाट इज द इम्यूनोसाइटोसिस? इन इम्यूनोसाइटोसिस वी नो एंड वी स्टडी अबाउट द होस्ट्स एंड देयर डेवलपिंग स्टेज. यानि कि जो आपका ये जो एमिनोसाइटोसिस है, एमिनोसाइटोसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एम्ब्रोय के जायगोट से लेकर एम्ब्रोय की तक के डेवलपमेंट का हम लोग क्या करते हैं? स्टेप वाइज अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं. देखिए, एम्ब्रोय जब डेवलप करता है तो फोटस बनता है, थोड़ा सा डेवलप करेगा तो फोटस बन, तो एम्ब्रोय का ही पार्ट क्या है? फोटस से थोड़ा डेवलप कर लेता है. तो ये फोटस के सारे प्रोसेस मींस जो एमिनोटिक सब्सटेंस है इनके बारे में, और देखिए ये एम्ब्रोय के डेवलपमेंट के पूरे स्टेप के बारे में स्टडी करते हैं. देखिए यहाँ ये डेवलप कर रहा है एम्ब्रोय, है ना, ये जायगोट है, जायगोट डेवलप किया,
फिर अगेन ये, यानी कि लास्ट में आपके यहाँ क्या आया, ये एम्ब्रॉय आया। एम्ब्रॉय के सारे पार्ट्स को के बारे में, इनके बारे में हम इसी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ रोग के बारे में, रोग को जो है क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कौन कौन से रोग हैं इनको। जैसे आपके इसमें आ जाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर माने अनुवांशिक कमियां, है ना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे जितने भी डिजीज हैं ड्यूरिंग द डेवलपिंग ऑफ फोटस, फोटस के डेवलपिंग के दौरान इन सारी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है और इनका टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यही प्रोसेस जो होते हैं, ये इसमें स्टडी किया जाता है एमिनो साइटोसिस में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।